गाइज वेलकम बैक टू आवर चैनल इंसेंट फूडीज। गाइज पहली बात तो ये कि आज हम लोग आए हैं एम जी रोड मुलन बेस में। इसका प्रॉपर लोकेशन आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो गाइज ये लोकेशन जो है ये डोसा प्रेमियों के लिए जन्नत की जगह है, क्योंकि यहाँ पे इतनी वैरायटी ऑफ काइंड के डोसा मिलते हैं। कंटिनेंटल डोसा मिलता है, इंडियन डोसा मिलता है, चाइनीज डोसा मिलता है, यहाँ तक कि गाइज डिजर्ट डोसा भी मिलता है। आज हम लोग उन्हीं में से कुछ आइटम्स ट्राई करने वाले हैं और आपको यहाँ की फूड टूर का सैर कराने वाले हैं। आइए मेरे साथ। सो गाइज अभी हम लोग ट्राई करने जा रहे हैं यहाँ का स्पेशल इंडियन स्पेशल डोसा में मटका डोसा। आइए ये भी देख लेते हैं कैसे बनता है। प्याज वगैरह ये थोड़ी डिफरेंट होगी, आपने जो ट्राई किया इसके पहले अभी। अच्छा उससे डिफरेंट होगी। अभी तक मसाले जो हैं लाल मिर्च और कैप्सिकम, प्याज और टमाटर वगैरह सब गई है, नमक वगैरह गई है, केचप वगैरह भी गया है। ये हमारी चटनी, ये चटनी की वजह से जो टेस्ट है ना काफ़ी ज़्यादा मस्त स्पाइसी आ रहा है और मज़ा आ रहा है खाने में। और पनीर के पीसेस गए इसमें भी। ये क्या चीज़ का सॉस है अभी? ये मिक्स सॉस है। मिक्स सॉस भाई। तो ये क्या है? चीज सॉस है। चीज सॉस। ये कुछ चीज सॉस गई? ये भी मिक्स सॉस है। ये भी मिक्स सॉस है, क्या बात है। और ये क्या की चटनी है? टमाटर की चटनी अपनी। बटर वगैरह जाके अब पूरा मैच होगा। और ये अपनी नारियल की चटनी, क्या बात है। चटनी और इसमें थोड़ी सी और चटनी गई है रेड वाली और टमाटर। ये अपनी गई चीज, हैवी लोडेड चीज, क्या बात है यार। हैवी लोडेड चीज गई, इसके बाद पानी वगैरह गया है। एक मिनट ढक के रखना। हाँ एक मिनट अभी ढक के रखना पड़ेगा इसको। और बटर डाल दिया है। देख सकते हैं कितना क्रीमी 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 दिख रहा है। देखिए अभी इसको मटका डोसा बनाने की तैयारी हो रही है। ये हमारा मटका का मटका रेडी हो गया है। और इसको देखिए अभी कट करने का तरीका देखिए। और अभी देखिए चीज़ की बारिश। एक अलग ही लुक निकल के आ रहा है। अभी देखिए इसका डोसा को कट करने जा रहे हैं। ये देखिए तरीका, देखिए कौन बनाने का, एक नंबर यार। अभी इसके ऊपर देखिए और चीज़ की बारिश होने वाली है। वाव एक नंबर। अभी इसमें चटनी वगैरह जाएगी।
चिली की चटनी। तो गाइस अभी हम लोग ट्राई करने वाले हैं ये मटका डोसा, और देख सकते हैं कितनी यूनिक तरीके से इसको सर्व करने का तरीका है गाइस। मतलब दिल जीत लेता है जो सर्विंग करने का तरीका है ना, स्टार्टिंग में ही दिल जीत लेता है आपका। और देखिए हमारे साथ भाई पुदीने की चटनी और ये नारियल की चटनी दी गई है, और जो चीज़ का जो वैरायटी डाला गया ऊपर से छिड़काव के, वो एक नंबर यार। चलिए इसको ट्राई करते हैं, और ये देखिए कितना क्रिस्पी है, क्रिस्पीनेस इसके साउंड से सुनिए कितना क्रिस्पी है जब ये टूट रही है। हाँ हाँ हाँ, एक नंबर यार। और ये इसको मैंने साइड में कर दिया, बहुत ज़्यादा गर्म है ये अभी फिलहाल, ये देख सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आ रहा है, और इसमें एक एक्स्ट्रा सॉस गई है मिक्स सॉस वाली, जो उसके पहले वाले में हमने जो खाई थी उसमें नहीं गई है। तो इसका लिटिल बिट डिफरेंट टेस्ट है पहले वाले से, दोनों सेम नहीं है। और ये भी टू गुड है, और ये भी क्रिस्पी है, बहुत ज़बरदस्त है। मैं रिकमेंड करूँगा इसको भी ट्राई करने के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर बैठने की व्यवस्था भी बनाई गई है, कम से कम 10 लोग आराम से बैठ सकते हैं, 10 लोग। और उसके बाद दुकान की जो टाइमिंग है दोस्तों, वो है 2:30 बजे से रात 12 बजे तक। आइए इसको नारियल की चटनी से ट्राई करते हैं। हॉट एंड कोल्ड कॉम्बिनेशन है, नारियल की चटनी एकदम ठंडी ठंडी है, मस्त एकदम। टू गुड यार, बहुत टेस्टी है और बहुत लाजवाब है। तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि विजिट करिए MG रोड मुलुंड वेस्ट में, और बहुत मज़ा आएगा आपको, इतना टेस्टी डोसा आपने कभी नहीं खाया होगा। यहाँ पे मैक्सिकन डोसा भी है, वो भी आप जरूर ट्राई करना। और दोस्तों ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन जरूर दबा देना, क्योंकि ऐसे अनोखे स्ट्रीट फूड हम आपके लिए लाते रहेंगे हमेशा। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।